मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गावे, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गावे। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। इंशाल्लाह भाई, मर्दों की क्या तैयारी होती है, औरतों के हजार एहतमाम होते हैं। सहूलत पूछी जाए उनको, कहें कि अपनी सहूलत देख ले, वरना कहीं मर्दों पर इल्जाम धरती फिरेंगे कि हमने बिना पूछे तारीख तय कर दी। शाह साहब जैसे आपकी मर्जी, आपने हमारा बड़ा मान रखा है। तैमूर को इस बार हम लेके नहीं आए क्योंकि पहली बार था, तुम्हारे जी ने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जब आप चाहेंगे तैमूर हाजिर हो जाएगा मुलाकात के लिए। इसे भी एक रस्म समझो सिकंदर, हम दोनों के खानदान सात पुश्तों से यहाँ पल रहे हैं, एक दूसरे को हम जानते हैं, पहचानते हैं। बड़े खानदानों के महल और गुंबद जो हैं वो सात कोस पहले ही नजर आ जाते हैं। और बेटा, सच तो ये है कि हम चंद खानदान ही रह गए आला नसीब वाले इस पूरे खत्ते में। हमारा रिश्ता आपस में करना बनता है, बेशक। और बेटा एक बात याद रखना, आला खून में मिलावट हो जाए ना तो सात पुश्तों को भुगतना पड़ता है। बाबा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सिकंदर भाई। हमारे इर्द गिर्द जितने भी बेजोड़ रिश्ते तय हुए, जिसमें लड़का या लड़की कम जात के या कम ओहदे के थे, वो सारे के सारे फैसले गलत साबित हुए। इसलिए हम खानदान वालों को पूरी कोशिश करनी है कि हमारे दरमियान कोई कम जात या बाहर का फर्ज शामिल ना हो, ताकि हमारे आला खून में मिलावट ना हो सके। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आजकल की नई नस्ल कहाँ ध्यान देती है। हाँ ये तो है, तभी तो ये हाल है, न कमीन का पता लगता है ना मकीन का, असल और नकल की पहचान ही खत्म हो गई। हाकिम का ठाट पाट कुछ और होता है, रया का रहन सहन कुछ और। दीदी साहब, ये छोटा सा नजराना आपके लिए और ये तीरानी के लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आइए चाय के लिए आ जाइए। हाँ आ जा ना मेरी गुड्डी, आ जा। आइए आप। Hello।
सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। तो कहती हूँ मेरी सैन, रात बहुत हो गई है, इस वक्त सफर करना ठीक नहीं है, सुबह चले जाना ना। सैन बीबी, उधर तैमूर भी इंतजार कर रहा होगा ना हमारा बेचैनी से। और अब ये तो अपना ही घर है, आना जाना लगा ऐसी। बिस्मिल्लाह बीबी, सदा हो साड़ी घर जिंदी रहे, सदा सदा। अल्लाह दी अमान, अल्लाह दी अमान। इन्नी सोनी शाला नजर ना लगे। अब प्लीज एक बार बोल दो कि तुम मुझे चाहती हो और अपने घर वालों से डरती हो। मैं कसम खाता हूँ सारे जमाने से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। ये क्या, तुम यहाँ मुंह फुलाए बैठी हो और नीचे सब कितने खुश हैं? भाभी मुझे वैसे ही लग रहा है ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। फरहाद का मामला पहले निपट जाता। अरे उसका मामला तो समझो निपट ही गया। मैंने खास तौर पर फकीरा को तुम्हारी बात पक्की होने की खबर और मुंह मीठा कराने भेजा था। और फकीरा बता रही थी कि तुम्हारी बात पक्की होने की खबर सुनकर तो वो हक्का बक्का ही रह गया। मिठाई ना निगली गई ना उगली गई, अब उसमें अगर जरा सी भी अक्कल हुई ना तो चुपचाप वापस लौट जाएगा। पता नहीं, मेरा दिल बहुत उलझ गया है। तुम खाम खा फिक्र कर, खैर छोड़, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूं। तुम्हारी होने वाली सास ने तुम्हारे होने वाले पिया की तस्वीर भेजी अम्मी जी को, मैंने अभी तक नहीं देखी, सोचा कि पहला हक तुम्हारा है, तुम्हारे साथ ही देखूंगी। मेरा मूड नहीं है। अब ऐसी भी नाशुक्री ना करो ना, हजारों मरब्बों की इकलौती जागीरदानी बनने जा रही हो तुम। देखें तो सही तुम्हारा जागीरदार कैसा है। सुना है बड़े हैंडसम है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए इसलिए पहली नजर खुद ही डाल दे। ये तो वही है। कौन वही? भाभी ये वही है, ट्रेन वाला। कौन ट्रेन वाला? हाँ ये तो वही है। अच्छा तो ये है तुम्हारे जागीरदार तैमूर अली खान। भाभी आपको हंसी आ रही है? आपने सोचा है जब इसे पता चलेगा कि इसका रिश्ता वही ट्रेन वाली बदतमीज लड़की से होने जा रहा है जिसने इसकी क्लास ले ली थी, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या सोचेगा ये मेरे बारे में? आप अम्मी जी को जाकर मना कर दें मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। अरे बुद्धू, उसे पता है कि तुम वही ट्रेन वाली हसीना हो, तभी तो उसने रिश्ता भेजा है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हारे तीर नजर से स्टेशन पे ही घायल हो गया था और यकीनन उसने वहां से निकलते ही हमारा अता पता मालूम किया होगा और तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया होगा। मैं भी हैरान थी कि मुल्तान से इतनी उजलत में तुम्हारा रिश्ता भेजा किसने। आज ये मामला भी खुल गया, अब तो खुश हो जाओ।
जागीरदार साहब तो रिश्ते से पहले ही तुम्हारे गुलाम हो गए। वाकई? हाँ वाकई, बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला। सिर्फ छुपा रुस्तम ही नहीं बल्कि साबित कदम भी। लेकिन यह है किस खुशी में? मुंह तो मीठा करो बताते। तो बता दो। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। साड़ी निक्की बीबी जी की ना गल पक्की हो गई है। मुल्तान के ये सब तो बड़े जागीरदारों के घर। बड़े शाह जी ने कहा है कि सब में जाके ना ये मिठाई वंडो, मुंह मीठा कराओ। तू भी मुंह मीठा कर लेना। लेता हूँ मशान। क्या बात है मशान? कल रात को भी जब मैं लौटा हूं तो आप दोनों सोने चले गए थे और अभी भी घर में एक अजीब सी खामोशी है। कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? क्या बात है, कल माही के घर पर क्या बात हुई है आप लोगों की? बैठ के नाश्ता करो फिर बात करते हैं। अरे कैसे कर लूं नाश्ता, रात से सांस रुका हुआ है मेरा। बता क्यों नहीं रहे, क्या इनकार कर दिया हमने? सिकंदर पुत्र तू ही दस्त है। असहन मेरे पे क्यों डाल रही हैं आप, मुझे तो वैसे भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही। और अब वैसे भी खुदा के कामों में इंसान का क्या दखल? अब हुआ आखिर, बात क्या है, बता क्यों नहीं रहे? बताए ना। उन्होंने हाँ कर दी है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो एक मिनट, क्या कहा उन्होंने? हाँ हाँ कर दिया। उन्होंने हाँ कर दिया तो इतने संजीदा क्यों है आप लोग? तो खुशी की बात है। तो आप लोग इसका मतलब है मेरी क्लास ले रहे हैं। और भाई जी आपसे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद ही थी। अम्मा सहन जान निकाल दी आपने मेरी। सच माँ सदके जाए, जान जाए तो दुश्मन आती। पूरे इलाके में कोई है जो मेरे शहजादे को ना कर सके? है, उन्होंने तो 100 बिस्मिल्लाह करके हाँ की है। अरे वाह क्या बात है। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। बस एक कम कर, जाके ना शाह साईं की हवेली किसी दिन मिला उन्होंने। तो बस ठीक है, आ चलो जाता हूँ मैं। ना पागले, जब दो बुलान के तब दो जाई। अम्मा साहब आपको ये बेटा आपके हाथ से बस गया। अरे भाई जी अब दिन रात इसने उन्हीं के घर के चक्कर काटने। चल बैठ जा, नाश्ता तो कर ले। गरम गरम चाय मंगवाई इसके लिए। जैन बे, जैन बे गरम चाय ले क्या? बहुत मजेदार लोग हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उनको जितनी भी जल्दी होगी
वो हमारे बुलावे का इंतजार जरूर करेंगे। मैं अभी यही सोच रहा था कि तैमूर को अगले हफ्ते का बुलावा भेज देना चाहिए, तब तक मैं भी एक दो जरूरी कामों से फारिग हो जाऊँ। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ ये ठीक है। और तू बता दिलावरे, और तूने भी तो 22 व्हीलर ट्रक चलाया है, तू भी तो बड़े रूट का ड्राइवर है। वो ए दसा, कोई अचानक सड़क दे उत्ते आ वने तो क्या करना चाहिए? आज पता लग सी तू कितना बड़ा ड्राइवर है। ओ जल्ले, और देखना ये होता है कि सड़क के बीच में आने वाला है कौन, बच्चा बुढ़ा या जवान। क्या मतलब? हम मतलब ये कि अगर तो बच्चा सामने आ जाए ना, तो गड्डी हमेशा उसके ना पीछे से लंगाना, क्योंकि बच्चा जो है ना वो डरता नहीं है, वो सीधा ही जाएगा, रुकेगा नहीं, हैं? लेकिन अगर बुढ़ा आ जाए तो गड्डी हमेशा उसके आगे से लंगानी है, क्योंकि बुढ़ा बाबा जो होता है ना वो डर जाता है, इसलिए वापस पीछे पलटता है। तो अगर कोई नौजवान सड़क पे आ जाए तो फिर की करना चाहिए उस्ताद? सही है, जवान का कुछ पता नहीं होता कि वो आगे जाएगा या पीछे मुड़ेगा, इसलिए मेरे तजर्बे के मुताबिक जो है ना, गड्डी हमेशा नक की सीध में रख के ना बैंक करके एक्सीलेटर दे दो। अगर उसकी हयाती हुई तो बच जाएगा, और ना अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। और इसलिए करके ना, इन सड़कों पे सबसे ज़्यादा मौतें जो होती हैं ना, वो जवानों की होती हैं। ओ बाऊ, और तू किन सोचे में गुम है? कहीं तेरी ड्राइवरी का फार्मूला हम सबसे अलग तो नहीं है? चल आ जा बाऊ, छोटे शाह जी ने बुलाया, साथ जाना है। अल्लाह खैर करे, आजकल छोटे शाह जी बहू फरात पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। वो बड़े कहते हैं ना, मालिक की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से जितना दूर रहो उतना बेहतर है। बिल्कुल, अल्लाह करे इसके लिए भी बेहतर ही। भाई ये यूनिवर्सिटी वाला मामला ख़त्म कर, क्या करना है डिग्री लेकर? नहीं, क्या कह रहे हैं आप, आखिरी सेमेस्टर चल रहा है इसका, कर लेने दीजिए शौक पूरे, आगे चल के तो वैसे भी दूसरों की ही मर्जी चलनी है। इंशाल्लाह आगे भी हमारी लाडो रानी की मर्जी चलने वाली है, बहुत ही खुलूस और मोहब्बत वाली है इसकी होने वाली सास। ले भाई, मैं फिर कहाँ चल दिए? अम्मा साईं जमीनों का दौरा करने में पहले लेट हो गया। हाँ बाबा साईं, वो निसार अंकल ने जो लड़का भेजा था ना, क्या भला सा नाम था उसका? फरहाद, मेरा ख्याल है फरहाद ही नाम है उसका। उसको मैंने अपने साथ ड्यूटी पे रख लिया है। दिलावरा यहीं पीछे है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसे बुला लीजिए। लेकिन वो लड़का तो नया है इस इलाके में, उसको वक्त लगेगा रास्ते समझने में। खैर ज़रा ध्यान रखना। हाँ बाबा सही, नया तो है लेकिन बहुत होशियार है। नूरे से कह के उसे कोई अच्छा सा हथियार भी दिलवा दूंगा, पढ़ा लिखा भी लगता है, हमारे गार्ड्स की जल्दबाजियों और हमाकतों को भी कंट्रोल कर लेगा। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है जो तुम उसकी तारीफ में कर रहे हो, तो उसको मुस्तकिल अपने पास रख लो। मेरी गाड़ियों पे दिलावरे की ड्यूटी नूरे के साथ लगा देना। जरा ध्यान से जाना, बेचैनी ज्यादा है आजकल। ठीक है बाबा सर। उस दूसरे इलाके में जरा लोग थोड़े से मुश्तिल हो रहे हैं। चाय लेंगे शाह जी? हाँ चाय पी जा सकती है। क्या जरूरत थी आपको ये कहने की? क्या गलत कह दिया मैंने? We'll be right back.
ये क्या है भाभी, हम तो उसे यहाँ से भगाना चाह रहे थे। लाला ने तो उसे मुस्तकिल नौकरी पर रख लिया है, और ऐसा लगता है जैसे उसने खुद को ना यहाँ की जरूरत बना लिया। मैं उसे इतना मुस्तकिल मिजाज नहीं समझती थी। मैं भी नहीं भाभी, लेकिन वो मुझे यहाँ से जाता नहीं दिखाई दे रहा। अगर उसने लाला को कुछ बता दिया तो वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है इस सूरत में उसका यहाँ रुकना मुहाल हो जाएगा। तो भाभी आप कुछ सोचे ना, क्या करें हम? अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, सोचती हूँ कोई तरीका। तुमने रिदा को फोन किया? उसे जरा पूछो तो वो लौटी या नहीं। नहीं, जाओ करो, मैं उसे करती हूँ। बड़े साईं, बड़े साईं। ओ दिलावरे की होया? बड़े साईं गजब हो गया है, छोटे शाह जी की गड्डी पे मुखालफों ने फेर खोल दिए हैं। ओए नाज़िम साथे ठीक है ना? पता नहीं। बंदे कट, बुला बंदे गड्डी लगा। गड्डी कटो। बड़ी सरकार, बड़ी सरकार। गजब हो गया। क्या हुआ मामी? इतने चुप कर, हाय गजब हो गया। क्या हो गया फकीरा, खैर तो है? बहुत बुरी खबर आई है मर्दाने से। हाय मेरे रब्बा, क्या क्या हुआ है? हाय जी, छोटे सरकार की गाड़ी पे दुश्मनों ने फायरिंग कर दिया जी। नाज़िम क्या, नाज़िम क्या, क्या हुआ है? ठीक तो है मेरा लाडला? बोल ना, मेरा लाडला पुत्र तो ठीक है ना? वो तो बिल्कुल ठीक है, पर वो जो छोर आया ना लाहौर से, दिलावरा बता रहा है कि उस बेचारे को गोली बज गई है। अल्लाह खैर करेगा मेरा सोना राम। अस्पताल लेके गए उसे? गड्डी में पाके बड़े अस्पताल ले गए उसे। अल्लाह रहम करेगा, वो भी किसी की औलाद है, पता नहीं उसके घर वालों पे क्या गुजरेगी। मैं देखती हूँ। अल्लाह सत्य है, पता करके बता फकीरा, आगे क्या कर रहे हैं पता करके बता। तू ठीक है ना पुत्र, कुछ चोट शोट तो नहीं लगी? अरे नहीं बाबा साईं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नए ड्राइवर को गोली लगी है, बड़ी हिम्मत दिखाई उसने, वरना आज ये गोली मेरे सीने के पार होती। जख्मी होने के बावजूद हमें दुश्मनों के नरगे से निकाला है, जिगरे वाला है। पुत्र मैंने तो सुबह ही कहा था कि ध्यान रखना, हैं? अल्लाह का शुक्र है कि तुझे कोई चोट नहीं लगी। वो लड़का कहाँ है? खून काफ़ी बह गया उसका, ऑपरेशन थिएटर में है वो। अल्लाह खैर करेगा, तो ऐसा कर अपनी माँ से बात कर ले, वहाँ पे रोना धोना पड़ा होगा, हैं? चल जी मैं करता हूँ बाबा सिंह, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। आए बाबा सिंह, आप मेरे साथ हैं। और काश मैं चला जाता छोटे साईं के साथ, और मुझे लग जाती गोली। तू जानता है दिलावरे, और जिसके नाम लिखा होता है ना गोली पे, वो मौके पर खुद ब खुद पहुंच जाता है। वैसे एक बात है, जिगरे वाला है, अब दुआ कर उसके लिए ठीक हो जाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब खैरियत होगी।
क्या हुआ मम्मी, परेशान क्यों? फीवर बहुत याद आ रहा है। तो बात तो कराई थी सजाद भाई ने। कराई थी बात, कराई थी, लेकिन वो तो मेरा फीदी था ही नहीं। वो तो चुपचाप खामोश, ना कोई बात, ऐसा तो नहीं था ना। याद है तुझे कितना तंग करता था तुझे, मुझे, भाई को कितना सताता था। तो बोलता ही नहीं, बस तो चुप ही हो गया। बस हूँ हाँ, कोई बात ही नहीं। अम्मी आप फिजूल में परेशान हो रही हैं, भाई काम करने लगे हैं ना, जिम्मेदार हो गए। आग लगे ऐसे काम को और जिम्मेदारी को कि बच्चा हंसना बोलना ही भूल गया। मेरे तो हाल उठ रहा है, मेरा दिल घबरा। मेरा खैर करे, मेरे बच्चा खैर से हो या अल्लाह, उसको अपने हिफाजत में रखना। मेरा खैर करे, खैर करे, खैर रखे मेरे बच्चे, अल्लाह से अपनी हिफाजत में रखना। डॉक्टर साहब जी, कैसा है बाबू? हाँ, अब पेशेंट की हालत खतरे से बाहर है। शुक्र अदा करें कि गोली गोश्त को चीरते हुए निकल गई है, हड्डी को नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगा। नहीं तो फिर डॉक्टर साहब हम मिल सकते हैं उससे अब? हाँ, होश में आए तो मिल लीजिए, वैसे हम उसे एक आध दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, लेकिन उसका ख्याल बहुत रखना होगा, एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जख्म अभी ताज़ा है, कहीं टांके ना खुल जाए। नहीं नहीं, उसकी आप फिक्र ना करें, बस यहाँ से एक दफ़ा घर चला जाए ना, मैं खुद उसका ख्याल रखूँगा। और जिगरोट है मेरा, आप यूँ समझे भिरा है मेरा सक्का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो दिलावरे परेशान नहीं हो, डॉक्टर साहब ने बोला है ना, ठीक है बाबू, मैं हवेली से चक्कर लगा के आता हूँ, शाहजी को इतला दूँ। बाबू परेशान ना हो, खाना भिजवाता हूँ मैं तेरा और बाबू का। और बाबू का भिजवा दी, मेरी भूखी मर गई है। चलो, बंदे की जिंदगी एक यो जी बांग तो शुरू थी है जी, कोई नमाज नहीं होंगी ते मुकदी वो नमाज ते जी कोई अजान नहीं होंगी। पर जिंदगी क्या थे, एक बांग ते एक नमाज दे दरम्यान दा वेला, निके जे वेले आस्ते एडिया मुश्किल क्यों? हां, नफरत है मोहब्बत स्यापे क्यों क्यों? हां अल्लाह अल्लाह। ओ नाना, और लेटा रहा, आराम से उठना, अभी ना तेरे जख्म कच्चे हैं। जख्म कच्चे ठीक है दिलावरे, ये भर जाए ना निशान छोड़ देते हैं। और एक तो तेरी ये मुश्किल बातें ना मेरी सोच से आगे की हैं, तू बस आराम कर यहाँ। वापस कब जाने देंगे हवेली? ये तुझे हवेली जाने की इतनी जल्दी क्यों है? वहां कौन सा वो तमगे लेके खड़े हैं तेरे सीने पे से जाने के लिए? याना सुकून से रह आस। तुमने ही तो कहा था गुलामी सीखो, वही सीख रहा हूं। ये देख, ये मेरे बंदे हाथ देते हैं, ओए अपने पे नहीं तो मेरे पे रहम कर ले। यहाँ की कब्रिस्तान जो है ना, वो ऐसे गुलामों से परे पड़े हैं, और ये हाकिम लोग ना एक दफा फातिहा पढ़ने भी नहीं आते। अब क्यों?
क्यों अपनी जवानी का दुश्मन बना रहा है? लावरे या आकिम क्या करते हैं मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। काम करता हूँ मैं, अगर मेरे सामने उसको कुछ होता हुआ कैसे देख सकता था? क्या करता नमक हरामी? अब मैं तुझे नमक हरामी करने का भी नहीं कह रहा, लेकिन खुदकुशी करने से रोक रहा हूँ। अच्छा देख, मैं तेरी टोली को हाथ लगाता हूँ, हम मान ले मेरी बात और यार वापस चला जा। है तू कुछ जिद्दी को हड। सलीम जी, बीबी जी, कैसा है वो बाऊ? मेरा मतलब है वो लड़का। उनकी जान तो बच गई है पर बड़ा जिदार है, जरा भी नहीं घबराया। बड़ी सरकार पूछ रही है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, पापा साहब ये उसी गोरजानी के बंदे थे, पर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ओए नूरे, बंदे तैयार कर, आज ही जवाब देंगे। और पुत्र बात सुन, ये वक्त जोश से काम लेने का नहीं, होश से काम लेने का है। देख, तेरी बहन की बात चंद रोज में पक्की होने वाली है इस घर में रिश्ते की, और वो तैमूर वो भी आ रहा है एक आधे दिन में, इसलिए सब्र से काम ले। बाबा साईं, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। पूरे इलाके में शोर मचाया कि नाजिम शाह के मुखालिफों ने उस पर हमला किया और वो अभी तक खामोश है। बस बेटा बस, सियासत में कदम रखा है ना, तो फिर सियासत करना सीख। कई दफा दुश्मन को हंसते देखकर पलटना पड़ता है किसी बड़े मकसद के लिए। अभी सब्र का वक्त है, सब्र कर, वक्त का इंतजार कर। और हाँ, वो लड़का जो जख्मी हुआ है उसको कुछ पैसे दे देना, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। जी बाबा। तैमूर जी। अम्मा सैन, बड़े पीर साहब के घर से सदा आ गया तेरे लिए, कल जाने तूने मिलन। सच? ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तो सोच कर एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मेरी उससे मुलाकात होगी। बहुत खुश ना हो, हाली नहीं आएगी तेरे सामने कुड़ी। हो सकता है कि किसी चरोके के पीछे से छुप के तुझे देखे।
चंगी तरह तैयार होकर जाइए मेरे शहजादा। उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, कोई पर्सनैलिटी है आपकी बेटी। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों बैठी? भाभी ये क्या हो रहा है? दिल घबरा रहा है मेरा, परेशानी तो मुझे भी हो रही है बहुत। उस जिद्दी लड़के पे ना कभी रहम भी आता है और कभी बहुत गुस्सा भी, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा है वो। मैंने उसे समझाया था कि वो वापस चला जाए, लेकिन अगर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो इसमें मैं क्या करूं? जाने कौन कौन से ख्वाब लेकर आया था अपने दिल में, कौन जानता था कि उसकी कजा उसे बुला रही। बस दुआ करो कि वो बच जाए। क्या आप उसकी बर्बादी की वजह मुझे समझती हैं? मैंने बस एक शरारत की थी। और तुम्हारी ये शरारत उसके दिल की लगी बन गई है माही। एक बात तो तय है कि उसका जज्बा सच्चा था, वरना भला अपना घर बार, अपनी आराम की जिंदगी, अपना शहर छोड़कर कौन मरने के लिए आएगा यहां? हमने उस लड़के को ना समझने में गलती की। मौत से तो नहीं डरता मैं माही, तुम्हारी जुदाई से डरता हूं। तन झूम झूम, तन झूम झूम।